गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। यहाँ पीयूष तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए, रोता रोता ओली, और वहाँ पलक तैयार हो चुकी है, और इसकी बुआ और दीदी अभी सो रहे हैं क्योंकि उनका लेट का है और पीयूष पलक का जल्दी का। और मैंने बनाया था आज खाने में, आपको बताती हूँ, आलू के पराठे इनको और अचार रखा है, क्योंकि इनको जगाने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया क्योंकि इनकी छुट्टियाँ थी तो ये उठे नहीं, कहती रह गई जाओ। और अब मैं बना लूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी जो खाएंगे इसकी बुआ के लिए, इसके पापा के लिए, दीदी के लिए, क्योंकि उसको भी ड्यूटी जाना है। तो हो जाएगी ड्यूटी अपने, वो उठेगी जब, इतने में तैयारी करके रख लेती हूँ। और कहीं साल बहुत दिनों बाद पलक और स्कूल जा रहे हैं ना, इसलिए टी 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 हो गई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और मुझे नींद आ रही थी, मैं उठी नहीं। फिर मैंने परसों आए, उनको स्कूल जाना है, जल्दी करो जल्दी करो, फिर मैं जल्दी से उठी और अब मैं धीरे धीरे अपना काम कर रही हूँ। ये दोनों टी टी करके स्कूल जाने की तैयारी में, और अभी हमारे पास जूता पहन रहा है दो करो। वहाँ तन्नू बेड़ा धोया है, अपनी नानी को समझा रही है, और वहाँ उसकी मम्मी उसके लिए खाना पैक कर रही है, और मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। गाइस, मेरा घर खाली हो गया, सब गए, तन्नू भी गई, तन्नू की मम्मी भी गई, बच्चे स्कूल गए, इसके पापा काम पे गए, अब मैं खाली हूँ। अब मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, अब मैं करूँगी नींद पूरी अपनी। और आज मेरे को थोड़ी सी हल्की सी हरारत हो रही है, क्यों? क्योंकि कल हम वहाँ गए तो वहाँ चलना बहुत पड़ा, तो मेरे को हल्की शरारत हो रही है। मैं थोड़ी देर सोऊंगी, इतने बच्चे आएंगे, इतने मैं आराम करूँगी, सो के उठूँगी, इतने बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका ट्यूशन व्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर मुझे लाना है नवरात्रा का सामान, क्योंकि कल से माता रानी घर में आएंगी, तो आपके भी घर में आएंगी, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पीयूष स्कूल से आ चुका है और पलक भी आ गई है बाहर, अपना बैग रख रही है, और अब ये खाएंगे रोटी। पीयूष को कह रही, सॉरी, पलक को देखो कैसे खा रही है, पूरा बेलपुरी का वो लेके बैठी है और बैठी बैठी उसमें लगी पड़ी है बेलपुरी खाने। इतने बदतमीज बच्चे आपने देखे हैं स्कूल से आने के बाद, कौन करता है ये बदतमीजी? खाना नहीं खाया तो क्या पूरी बेलपुरी खत्म करेगी? सिर्फ मूंगफली, जल्दी खा ले और जाए ट्यूशन। सो गाइस, आपका भाई पीयूष यहाँ पे बैठा है, और एक खुशखबरी की मैं बात कर रहा था, आज से 1-2 दिन पहले वो थी हमारी मिक्सी बॉक्स, वो आ चुके हैं और आज होगी इसी वीडियो में उसकी अनबॉक्सिंग। पर मैंने आपको बोला था कि आप मत लेना, आपको लेना हो आप ले लो, पर बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग। हमने हमने फेब 27 या फिर 25 को ऑर्डर किया था और आज आए हैं ये सारे मिक्सी बॉक्स हमारे मार्च 8 को, जब ये बोलते कि हम आपके घर 25 या फिर 24 डेज में भिजवा देते हैं, तो हम भाई हम डर गए थे कि मैसेज का रिप्लाई नहीं आया रहा, तो फिर 1 महीने से ऊपर ही देते हैं। हाँ, हमें पता नहीं था, और आज हमारे मिस्ट्री बॉक्स आ चुके हैं, तो पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग। भाई देखो, ये थोड़ा भारी सा लग रहा है, काश आईफोन हो। देखते हैं गाइस इसमें क्या निकलता है, हमें भी नहीं पता इसमें क्या निकलेगा, पर हमारा मिस्ट्री बॉक्स आ चुका है तो देखते हैं। एंड गाइस, आपको ऑर्डर करने हो तो दीदी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगी, सब दे देगी कि कहां से आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पर आप खोलिए पहले, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। एंड गाइस, आपको एक बात बता दूं कि मैंने बोला था कि ऑर्डर मत करना आपकी मर्जी, पर ये लोग टाइम बहुत लगाते हैं, बस टाइम ही बहुत लगता है गाइस इसमें आने में, बहुत टाइम लग गया हमारी मिस्ट्री बॉक्स आने में, तो आप देखिए इसमें क्या निकलता है। ये किसकी शक्ल है इसके, देखो पहले दिखा दो एकदम। ये क्या है? पहले वो खोल जो अंदर है, दिखा क्या है? ये क्या है? ये तो यार लड़कियों के लग रहा है, दिखाइयो क्या है? दिखा तो सही मुझे। वाईफाई ब्लू लाइट लिखी हुई है गाइस। एक ये निकला है हमारा मिस्ट्री बॉक्स में, एक ये निकला है, और एक ये निकला है, ये तो कोई क्रीम है, फेस वॉश, और ये आराम से फाड़ी है, चेक भी हो सकता है 12 लाख 2 लाख का 3 लाख का। गाइस मैं फेंक रही हूँ लंबी लंबी, क्या करूँ मेरी आदत है, मैं लाचार हूँ। गाइस ये है वी लव यू मर्चेंट स्टोर, अच्छे है। देखो ये क्या है, मम्मी इधर तो देखो, इसके अंदर शायद दवाई दी है मेरी मम्मी,
ये तेरे खेलने के लिए गाइस वाला बेकार काम, ये पीयूष के खेलने के लिए। पैसे यार कुछ बढ़िया मजे देते, काश आईफोन दे देते। गाइस हमारा पॉपट हो गया बहुत तगड़े वाला। ये क्या है? तगड़े वाला ये बड़े कुछ क्रीम है, ये फेस वॉश है। गाइस ये फेस वॉश और वो गाइस अब होगी इसकी अनबॉक्सिंग। अरे रुक जा मैं देख, वो ऊपर लिखा होगा ना, चेक करने में क्या जा रहा है अंदर से, डिब्बा तो तब भी बंद हो जाएगा। नीचे मत फेंक, ठीक उठा लूंगा। मेरी मम्मी गाइस अभी भी लड़ रही है। अरे मम्मी बंद हो जाएगा। अरे बाहर लिखा होता है क्या चीज है ये, इसे पढ़ना नहीं आता गाइस, क्या करूं। आता है ब्लू लाइट लिखा है, क्या है मतलब? अरे कुछ भी लिखा होगा उसमें। ये क्या है? ब्लू लाइट लिखा है, दिखाओगे इधर? लो भाई गाइस इसे पढ़ना तो आता नहीं है, मैं क्या करूं। ब्लू लाइट लिखा है, मैं क्या करूं? क्रीम है। कहां पे लिखा है क्रीम? देखो गाइस मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। कहां पे दिख गया ना? कहां पे? अच्छा नहीं गाइस हमारे काम की चीज नहीं निकली, हम क्या करें गाइस? पट हो गया, इन्होंने हमारा उल्लू बनाया होगा। मैं तो किसी को है ना एग्री नहीं करूंगी कि इसमें पैसा लगाओ। मैं करूंगा एग्री कि आप लोग लगाओ 1 लाख गाइस, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी कि इसमें पैसा लगाओ, क्योंकि मैंने लगाया था और मेरा पोपट हो चुका, वो बच्चों के कहने से लगा दिया था मैंने गाइस, इसमें कोई फायदा नहीं निकला। क्या फायदा गाइस, ना तो हम ये क्रीम यूज करते ना हम वो वाली क्रीम यूज करते, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होता मम्मी, 1 लाख रुपए लगेंगे इस बार। मम्मी मम्मी हाँ, इस बार 1 लाख रुपए। हाँ अभी लगा रहे हैं 1 लाख रुपए। वैसे सुन रहे हो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएं? 1 लाख रुपए है भी नहीं हमारे पास। कुछ अच्छा आएगा। मम्मी कह रही है कि खुशबू तो बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पे क्या क्या लिखा है। पहले वाले पे लिखा है फुल काम बड़ी दिखाता है। कौन है ये लोग? ये फ्रिज पे चिपकाएंगे ठीक है, इस पे सिंचैन है। कार्टून नहीं बनाना फ्रिज को मैं। क्यों मम्मी और लोग भी तो चिपकाते हैं बुर्गिर। मैं फ्रिज खराब कर दूं वीमैन क्यों? नहीं ना और लोग भी तो चुपकाते हैं। नहीं देर कॉफी भी चुका जा रहा है तो जब मैडम से डंडे खा लियो। भाई मैं तो अपने गेट पे चुपकाऊंगा। नहीं गेट पे भी नहीं फ्रिज पे भी नहीं। भाई चुपकेंगे यार, ये नहीं होता और लोग भी चुपकाते हैं, आपको नहीं पता मुझे पता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी फाड़ने लग गई। कौन कौन इन्हें जानता है बताना। वाह देखो इसमें अब्दू भी है और ये सैविज वाला भी है कोई, यो अपना भाई। इसमें ये कौन है? ओ भाई सल्लू भाई, सल्लू भाई है इसमें अपने। ओ सल्लू भाई तेरी उम्र के है? सलमान खान नहीं बोल सकता क्यों? आपका क्या जा रहा है? मेरे को दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। हाँ। इनको कौन कौन जानता है ये बताना। इनको इनको तो कोई नहीं जानता, इनको सब जानते हैं, इनको कोई नहीं जानता। इनमें दर्द लिख हो जाएंगे। एक मिनट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, जय श्री राम। एटीन प्लस भाई ये क्या कर रहा है तू? और ये बैगन होगा जरूर पता था। ओहो देखो पंडित जी फुकरे में जो थे सिद्धू मूसे वाला मोहिमी है, कैटी कैटी कहते हैं, और कपिल शर्मा और अपना भाई बंदर, अपने फेवरेट फुटबॉलर रोनाल्डो। ओहो ये वो है 3 इडियट में था ना, कौन ये अंग्रेज का बच्चा था ये किसी के, पता नहीं यार मैं भूल गया कौन था ये, था ये 3 इडियट मैन जोकर। और ये अपने 3 बदमाश बाबू भैया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ के अलावा क्या बोलेगा भाई, तगड़े तगड़े। ओहो पंडित जी आ गए फिर से, ये जो पहले लड़ाई करता था वो
टकला। ये यार, ये तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है। आई डोंट नो अक्षय कुमार। Hey guys, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब बता नहीं सकता, देख लो कितने सारे हैं। कुछ तो नीचे भी गिर गए अपने, इतने सारे हैं ये यहाँ पे। अब ये मैं अपने पास रख लूँगा छुपा के। विमेन आपको क्या लगा, मम्मी को देख के बोलो, इसको देख के भाई भाई चीता ही कह दे। सो गाइस, बड़े दिनों बाद तुम्हारा भाई पढ़ाई कर रहा है, ये देख के तुम्हें खुशी हो रही होगी और मुझे भी हो रही है, क्योंकि स्कूल शुरू हो चुके हैं और होमवर्क भी मिल चुका है हिंदी वाली मैडम से। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ और इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, समझ गए ना मेरी जान।